हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का। तो अभी मॉर्निंग के 6:30 बजे हुए हैं और देख मामा जी दूध निकाल रहे हैं, भैंस का दूध निकाल रहे हैं। लात उतना मार दे यार, अभी कहाँ दे। मामा बोल रहे हैं लात ना मार दे, बोले लात मतलब बिचक जाती है नए लोगों को देख के। चला जा रहे हैं सब। मामा बोलो कुछ। हाँ? बोलो। हाँ? अरे कुछ बोलियो। कहाँ बोलो? हाँ? सब देखा थे तुमका। को बात? हाँ? पूरी पब्लिक देखा थी। मामा बोल रहे को आए, यहाँ की भाषा है को आए। मामा दूध निकाल रहे हैं, दूध निकालेंगे, इसके बाद अभी चाय बनेगी, उससे दही बनेगा और घी। हाँ हाँ, सभी लोग यहाँ मॉर्निंग रूटीन में लगे हुए हैं। ये हमारी मामी बैठी है, इन्हें ठंड बहुत लग रहा है। अम्मा जी सो रही हैं यहाँ पर, ये ओढ़ ली हैं, देखिए चेहरा नहीं दिखा रही हैं। और बाकी घर की एक्टिविटी चल, तो अभी माइक नहीं निकाला हूँ, जब तक माइक निकालता हूँ। और आगे माँ इधर दूध निकाल रहे हैं, तो ये मामा अभी इन्हें दूध निकालने के इन्हें चारा दिए हैं। तो ये जो कल्लो भैंस है ये बिचक जाती, मतलब अगर इसका वीडियो बनाओ तो ये फिर दूध नहीं देती है। ये देखिए, ये मामा हमारे जो हैं यहाँ सानी बना रहा है आटा डाल के, बढ़िया। ये कल्लो भैंस, ये ले देखिए मामा। तो ये मैं का डाले हो? हाँ, खरी उरी है। अच्छा, चावल दाल जमीन बचत है। तो मामा बता रहा है घर का जो दाना वेस्टेज बचता है, कराई मतलब दाल के जो छिलके हैं और ये सारी चीजें जो वेस्टेज होता है ये बाहर नहीं फेंका जाता है, दाने का या खाने का सदुपयोग होता है, उसे एक बाल्टी में इकट्ठा किया जाता है, पानी खली चूनी सब कुछ डाल के फिर ये कल्लो भैंस को दिया। यहाँ देखेंगे इस प्रकार से मिलाया जाता है यहाँ पर, तो दूध जो है ज़्यादा मात्रा में देती है ना मामा। तो ये हमारे मामा हैं, इनकी उम्र 68 साल हो चुकी है। और देखिए आप और हम लोगों से ज़्यादा ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इस उम्र में ये रहते हैं गांव के किसान और गांव के मेहनत कश लोग। मामा हाय बोल दो दर्शकों को। हाँ, सब्सक्राइब करो चैनल को, सब्सक्राइब करो। हाँ। क्या है, ठंड है तो मामा जी को कम सुनाई दे रहा। अभी ऊपर जाएंगे छत के ऊपर, आप लोगों को हमारे मामा के गाँव का व्यू दिखाने वाले हैं। तो मामा जो हैं इस प्रकार से डेली रूटीन के काम करते हैं घर में, और खेत तो नहीं जा पाए क्योंकि बाहर थे। हमारी मुमानी को देखिए ठंड लग रही है, काफ़ी यहाँ ठंड है। तो अभी हम जा रहे हैं छत पे, आपको अपने गांव का फ्रंट व्यू दिखाने वाले हैं कि हमारे गांव किस प्रकार से ठंड, मतलब पूरे गांव का नज़ारा कैसे होता है। ये देखो ये जी जान असीन, हाय बोल दो जान असीन। हाँ, ये जान असीन है। और हमारी भाभी इधर पे देखिए नाश्ते का काम करने जा रहे हैं, बनाने। अभी ये ऊपर छत पर जा रहे हैं देखिए। और ये हमारे भाई, भाई हाय बोल दो। ये हमारे बड़े भाई मामा जी के लड़के चूल्हे पे क्या बना रहे हो इसमें, ये देखिए। उठाना है, आलू बताता है, सब्जी बना। देखिए अभी नींद से हैं ये, और बटाना आलू की सब्जी सारी चीजें बता रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड ये गांव का कितना अच्छा लगता है, यहाँ ऊपर छत से आप देखेंगे चारों ही तरफ यहाँ डेली रूटीन के वर्क हो रहे हैं जो विलेज के हैं। ये देखिए, तो यहाँ ये देखिए हमारी दूसरी सकीना आ गई। सकीना हाँ, ये देखो इसके बाल, देखो इसके दांत, ये चाइना गर्ल है ये। ये देखिए ये इसने आटा ये मोहम्मद ने गिरा दिया। हाय बोल दो मोहम्मद, हेलो हाय बोल। ये उठ करके आया देखिए। तो अभी हम लोग जो हैं विजिट किए हुए हैं अपने नाना नानी के घर, तो यहाँ काफ़ी दिनों से स्टे किए हुए हैं। तो ये जो आप ये जो रहे हैं
इसमें क्या होता है, दही दही बनाने के लिए दूध गर्म किया जाता है। देखिए इस प्रकार से दूध एकदम मलाईदार इसे पकाया जाता है। इसमें कंडे होते हैं। अब इसे क्या कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता है। इसको क्या बोलते हैं जानासीन? तो फ्रेंड यहाँ देहाती भाषा में इसे दूध गड़वा बोलते हैं, यानी दूध को गाढ़ा जाता है, मतलब रखा जाता है। तो देखिए इस प्रकार इसकी बनावट हो। तो इसी में दोस्तों ये जो गोबर के कंडे जो इस्तेमाल कैसे सही से होता है, यहाँ पर ये गोबर के कंडों को इकट्ठा किया जाता है, मतलब बना करके ये जो कल्लो भैंस है यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो कल्लो भैंस है ना, तो एक्चुअल में इसका जो भी वेस्टेज इकट्ठा होता है उससे यही कंडे बना करके, देखिए इस डिजाइन में हमारे यहाँ कंडे बनाए जाते हैं, कितने खूबसूरत लंबे रहते हैं ये, और इससे खाना भी बनाया जाता है। ये है डिजाइन। तो ये जो कंडा है ना, ये कंडे से पूरा गैस, मतलब बायो गैस है ये, मतलब बायो नेचुरल तरीके से खाना बनाया जाता है। ये देखिए ये कंडा है जो आप देखेंगे, और ये जो यंत्र है ये वाला आप देखेंगे, ये वाला जो यंत्र है इसको दूध गड़वा बोलते हैं, ऐसा कुछ कहा जाता है। इसके अंदर में सारा कुछ, मतलब ये दूध गर्म करके दही बनाया जाता है। तो ये एक स्पेशल कहना चाहिए देहाती यंत्र है खाना बनाने के। तो एक बार फिर से दिखाऊंगा आपको, देखिए यहाँ पर ऐसे ये धुआं निकलने के लिए होल बना गया, और टोटल मिट्टी का है, कोई सीमेंट नहीं है इसमें। और ये देखिए ये यहाँ पर ये दूध रखा हुआ है, काफ़ी मलाई इसमें है, और इस प्रकार से ये बनाया जाता है। आई होप फ्रेंड आप लोगों को यहाँ काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा। तो अभी हमारी भाभी जो यहाँ पर देखिए हम लोगों के लिए नाश्ता की तैयारी कर रही हैं, और ये नाश्ता बनेगा। ये जानासीन है, नाश्ता करके स्कूल जाने वाली है, क्यों है ना। और ये सबसे चुलबुल, और एक जो अभी हमारा सबसे छोटा भतीजा है वो कहीं से अम्मी अम्मी चिल्ला रहा, उसको भी देखते हैं जाके। तो फ्रेंड काफ़ी मतलब बिजी रूटीन होता है हमारे यहाँ पर गांव में, तो काफ़ी मेहनत सभी लोग। ये देखिए ये हमारा ये छुटकू जो है ये सो रहा है, इधर देखो इधर, ये कैमरे में हाय बोल दो, इधर इधर आओ, इधर जल्दी से आ जाओ। देखिए नुमेर, ये नुमेर देखिए, हेलो, ये नुमेर देखिए, ये नुमेर उठ चुका, इधर देखो बेटा, ये देखिए हाय बोल दो, हाय हाय कर दो। तो फ्रेंड अभी सो करके उठा है, मूड सही नहीं है। चलिए आप लोगों को फिर मैं विलेज ब्लॉग की सीरीज लेकर के आऊँगा। तो फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही है। सभी लोग अभी फ्रेश होंगे, रेडी होंगे, नाश्ता करके खेतों की ओर अपने अपने कामों में बिजी रहेंगे। तो इस ब्लॉग में इतना ही था, फिर मिलेंगे, टेक केयर।